आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। ओम एतत् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। ॐ विश्वानि देव सवितर् दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वदेशी साइंस मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिसे विज्ञान भारती दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, उसके इस मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। व्याख्यान श्रृंखला की एक अनवरत धारा प्रवाहित है और उसके माध्यम से विभिन्न विषयों को निरंतर रूप से जनमानस के सम्मुख लाने का प्रयास है यह व्याख्यान श्रृंखला। इसी व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत आज के इस व्याख्यान में हमारे मुख्य वक्ता के रूप में पधारी हैं प्रोफेसर डॉक्टर कामिनी कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। में उन्हीं के साथ साथ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर डीपी भट्ट सर। सर, आपका ही बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और स्वागत करते हैं हम आप सभी विज्ञानियों का कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर प्रशांत कुमार मिश्र, आयोजन मंडली के सदस्य डॉक्टर रश्मि शर्मा, श्री मधुकर स्वयंभू, डॉक्टर रश्मि मिश्रा की ओर से मैं डॉक्टर आशुतोष पारिक। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम निश्चित रूप से अपने महनीय विचारों से ओतप्रोत है और शिक्षा, जिसे कि हम कह सकते हैं कि यह मानव की वह आवश्यकता है जिसके कारण से उसे मानव का होने का अधिकारी अर्थात अधिकार प्राप्त होता है। अर्थात यदि हम शिक्षित नहीं हैं, हम शिक्षा से युक्त नहीं हैं, हमारी शिक्षा उचित नहीं है, तो निश्चित रूप से हम पशु के समान हैं, मानव होने के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। अतः शिक्षा की पहली आवश्यकता के रूप में मानवीयता, मानव का दृष्टिकोण आवश्यक होता है। और उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम शिक्षा के माध्यम से विश्व को ऐसी नई राहों की ओर, ऐसे नए मार्गों की ओर, ऐसे अभिनव प्रयोगों की ओर लेकर जाने का प्रयास करते हैं, जो कि उसी मानवता को श्रेष्ठ दृष्टिकोण के माध्यम से एक श्रेष्ठ ऊंचाई तक, एक श्रेष्ठ शिखर तक पहुंचने का उपाय प्रदान करता है। और शिक्षा इसी का माध्यम है। निश्चित रूप से वर्तमान शिक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन आवश्यक होते हैं, क्योंकि युग बदलता है तो युग के अनुसार हमें अपनी सोच को और उस सोच के मूल बिंदु, उस शिक्षा के स्रोत को भी बदलने की आवश्यकता होती है। क्योंकि यदि हम उस शिक्षा में आवश्यक परिवर्तन ना कर पाए तो निश्चित रूप से हम समाज के साथ, राष्ट्र के साथ, विश्व के साथ नहीं चल पाते हैं। अतः वर्तमान जीवन में यह आवश्यकता बन जाती है कि हम शिक्षा के नीतियों में, शिक्षा के आवश्यकताओं में एक नए तरीके से विचार करें। और इसी विचार को आज इस व्याख्यान के माध्यम से आप सभी के सम्मुख लाने का प्रयास है। और आज का विषय रहने वाला है ग्लिम्पसेस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसकी मुख्य वक्ता के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित हैं प्रोफेसर डॉक्टर कामिनी कुमार। आप वाइस चांसलर हैं रांची यूनिवर्सिटी रांची में। इसी के साथ साथ आपका 38 वर्षों से भी अधिक का शिक्षण का अनुभव है। आपका लगभग 40 वर्षों का रिसर्च के क्षेत्र में, शोधक के क्षेत्र का विशाल अनुभव है। आपकी 3 टेक्स्ट बुक्स
पब्लिश्ड हुई हैं, आपके 110 से अधिक शोध आलेख प्रकाशित हैं, आपके सानिध्य और मार्गदर्शन में 18 शोधार्थियों ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है, आपने 2 रिसर्च प्रोजेक्ट्स को भी पूर्ण किया, अनेक सम्मान और पुरस्कारों से सुशोभित हैं, आप FSB, FSGPB, FMS, FMSET हैं और साथ ही MSc, PhD इन बॉटनी हैं। मैं महोदया का इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और सर्वप्रथम कार्यक्रम के अनुरूप हमारे अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हमारे स्वदेशी साइंस मूवमेंट जिसे विज्ञान भारती के नाम से जाना जाता है उसके पथ प्रदर्शक कहें चाहे मार्गदर्शक कहें डॉक्टर डीपी भट्ट सर जो कि मुरली मनोहर जोशी पुरस्कार से सम्मानित हैं, एनपीएल चीफ साइंटिस्ट रहे हैं, एसएसएमडी के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, आईपीएल आपकी विशेष दक्षता है, ऐसे डॉक्टर डीपी भट्ट सर का मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रण करता हूं कि आप पधारें और विज्ञान भारती और साथ ही इस व्याख्यान श्रृंखला और आज के विषय के बारे में अपना उद्बोधन हम सभी के सम्मुख रखें। डॉक्टर डीपी भट्ट सर। सर आपका माइक अनम्यूट करना होगा सर। ठीक है आवाज आ रही है? जी सर आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर जी सर। नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वदेशी साइंस मूवमेंट ऑफ इंडिया जिसको हम विज्ञान भारती दिल्ली के नाम से भी जानते हैं की तरफ से सर्वप्रथम मैं सभी आगंतुकों का और जो आज के हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबका हमारी व्याख्यान माला 2021 के इस 11वें संस्करण में शामिल होने के लिए उनका धन्यवाद अर्पित करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। दूसरा और महत्वपूर्ण आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर कामिनी कुमार जी, वाइस चांसलर रांची विश्वविद्यालय का मैं विशेष अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय ग्लिम्सेज ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा करने के लिए अपनी प्रस्तुति दी और उसको हम सभी को सुनने का आज अवसर मिलेगा। व्यक्तिगत रूप से मैं अभी तक इस नई शिक्षा नीति को नहीं पढ़ पाया तो इस लिहाज से भी मुझे आज सुनने में ज्यादा रुचि है, लेकिन यदि हम अपने जो हमारा स्वदेशी साइंस मूवमेंट ऑफ इंडिया का फोरम है उसके लिहाज से कहूँ या अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से कहूँ तो मैं कई वर्षों से एक ही बात चिंतन करता हूँ। देश के विकास की बात तो हम बाद में करेंगे लेकिन उसका एज फाउंडेशन हमें मजबूत करना हो, केवल 2 चीजें यदि हम हासिल कर लें उसी पर थोड़ा बहुत मैं बोलने का प्रयास करूंगा। एक तो है प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, दूसरा पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल में मैं बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि विषय भी नहीं है। यदि 2 चीजें समझ जाए तो हमारा बेसिक फाउंडेशन निश्चित रूप से जो है मजबूत हो जाएगा और विकास तो फिर उसकी चर्चा तो सभी लोग करते हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। और इस संदर्भ में यदि मैं नई आईपीआर पॉलिसी की बात करूं, जैसा आशुतोष जी ने मुझे कहा कि मैं आईपी का आदमी हूं, इन द लेटर पार्ट ऑफ माय करियर आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट आईपी एंड ऑल दैट, आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज एन एक्सपर्ट क्योंकि मैं R&D साइंटिस्ट रहा हूँ बेसिकली, बट जो भी मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है, जो आई पी आर पॉलिसी अभी बनी है
That also rightly advocates that IP should be taught in schools and colleges. जब हम प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो कम से कम 70 वर्षों बाद ये बात हमने अपनी पॉलिसी में तो कह दी, अभी करना बहुत बाकी है. बट वट आई पर्सनली फील वट वी नीड आर द कोर्सेज ऑन क्रिएटिविटी, कोर्सेज ऑन इनोवेशन, नॉट ऑन आई पी. क्योंकि आई पी अवेयरनेस आई थिंक वी हैव बीन डूइंग इट फॉर लास्ट सेवरल ईयर्स एंड नाउ इट्स द टाइम वी शुड, if you exactly follow the policy of the government also, so we should try to visit as a publicly funded organization, be it in the university or be it in CSIR, to the different parts of the country in terms of propagating or in terms of giving awareness about intellectual property. And not only that, even we can try to expose our R&D results, because we talk about science temperament. Unless otherwise we do that, I think we will not be able to just, you know, do the justice, and we will only be talking about the policies. In this context, we should not even sigh even to borrow the Singapore character, rather Singapore model, who is best in public outreach and also very aggressive to have started the training campaign for their school going children in 2000 itself. They have done a lot of work in this campaign for last 20 years, and as a result Singapore government have now considered IP of that particular government as the statutory body by government. We have to go a long way in this country, because we are only talking about the policy. Talking about the national education policy, which we have been highlighting since the inception of Swadeshi Science Movement in 1981, through its brainchild, Professor K.I. Vasuji, education is essentially meant for the creation of enlightened citizen. One would expect the overall development of the total potential of the individual, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल. इसीलिए पहली बार आपने शायद कोई अभी लोगो दिखाया था हमारा विज्ञान भारती का, उसी के संदर्भ में कहूँगा. इसीलिए पहली बार हमने सर्वांगीण विकास के लिए स्पिरिट ऑफ इंडिया, इथोज ऑफ इंडिया, कल्चर ऑफ इंडिया, इन तीनों को आधार माना. वह ईसावास्य की सुंदर उक्ति को लोगों में प्रचारित प्रसारित किया, यानी जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन में, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते. यानी मेटेरियल या फिजिकल साइंसेज, जिसे हम वर्ल्डली नॉलेज कहते हैं, अपरा विद्या कहते हैं, इससे अकाल मृत्यु के कारणों पर शोध व संघर्ष होता रहता है. जबकि स्पिरिचुअल साइंसेज या आध्यात्मिक ज्ञान, पराविद्या या फिर हायर नॉलेज सिस्टम, इससे हम मोक्ष की उच्च स्थिति को पाते हैं. इसीलिए हमने इन दोनों नॉलेज सिस्टम, क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में हम कहें तो विज्ञान को हम तीन कैटेगरी में बांटते हैं. दो तो हमने अभी बात करी, पहला वाला विज्ञान, दूसरा वाला ज्ञान. तो इसीलिए हम इन दोनों नॉलेज सिस्टम्स यानी ज्ञान और विज्ञान के समन्वय से संज्ञान यानी प्रोजेक्टिव नॉलेज पर पिछले 25 या उससे ज्यादा समय से अविरल कार्य किया, और प्राचीन ज्ञान विजडम की अवेयरनेस से लेकर हमने ग्रामीण विकास, सतत विकास, अन्वेषण, सामाजिक विकास व आध्यात्मिक विकास के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय अधिवेशन, विज्ञान मेला आदि संपन्न किए. वो भारतीय भाषाओं में दर्जन से अधिक पुस्तक, स्मारिका, रिपोर्ट्स आदि भी हमने प्रकाशित किए. अब अभी कोरोना काल में हमने ई स्वदेशी विज्ञान पत्रिका के दो प्रकाशन भी रिलीज किए हैं. नाउ कमिंग बैक टू द स्वदेशी एजुकेशन पॉलिसी, फ्रेंड्स, इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट वी शुड ऑल्सो प्लान फॉर द इंडिविजुअल हु वुड फिट इन वेल विद द साइंटिफिक एटमोस्फेयर ऑफ एन इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी. व्हेन आई से दिस, गॉन आर द डेज व्हेन पीपल यूज्ड टू वर्क ऑन इन द इंडिविजुअल मोड एंड रादर कन्फाइन देमसेल्व्स विद इन द फोर वॉल्स ऑफ देयर रिसर्च लेबोरेटरी.
and accordingly they used to decide their projects, or even they were more busy in terms of signing their biodata through the R&D. But now, as per the new policy, now one has to look around and see the pain of the society, and accordingly they will have to frame, they will have to propose their projects, else they will not be approved. This is what I mean by what I said through this statement. This means the education policies should have compatibility with the policies on science, technology, education, and industry. I wonder if the integration of all these have an organic bearing on the currently proposed education policy of the government. Even if it is there, to me, I don't find any integration, because to the best of my knowledge, if I talk about IPR policy, I was the one from CSIR, I will not say from CSIR. Unfortunately, there was no CSIR representative while the policy was being discussed. In the final meeting, I was there. Point I am making here, I was there in the individual capacity, not as CSIR representative. It means CSIR itself was kept aside while making the policies. That's what I mean by saying, you know, many times here things happen in isolation. So integration, I doubt whether the integration do take place, whether we work in terms of, you know, taking everything into together, because we make policies in isolation, and then it's very difficult to implement that. Now, coming to national IPR policy, because it's very, as I said, they are very close to each other. They are not far different. If we talk about national IPR policy 2016, इसके आने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आया, आई कोट, इंडियाज एसएनटी विल बी वन अमंग द टॉप थ्री नेशंस इन द वर्ल्ड बाय 2030, एन एक्सलेंट मोटिवेशनल फोरकास्ट. कैन इट बी अकम्प्लिश्ड? व्हाई नॉट? हु विल डू दैट? विल मोदी साहब डू इट? नो. इट हैज टू बी डन बाय वी ऑल पीपल सिटिंग ओवर हियर. बट इट्स नॉट पॉसिबल अगेन unless we bring in all the components of Swadeshi sciences in our policies, be it in science policy, be it education policy, be it technology policy, be it industrial policy, or any other policy which has some bearing with the Swadeshi thought. The first component of Swadeshi education, as I said, we have to give a more focus on the primary education in this country. The first component of Swadeshi education has been to inculcate a sense of love for Indian languages, especially towards regional languages, more so mother tongue, and the common language, that is Hindi. A reasonable command of these languages should be ensured at the end of primary level of education itself, including Sanskrit, wherever possible and feasible. Don't take this statement as the final. It's not just a primary level. You can even postpone it to secondary level. Certain things you can take it to the secondary level, or when you go to the high school, then also you can start, you know, learning some of these languages like Sanskrit. What I am want to say here is the medium of instruction for science and maths in particular ought to be in mother tongue. What I am speaking is not just lecturing. This is what I have already written in our local magazine, that is where I was working, NPL Samiksha. Somebody wants, I can send you the copy. So sometimes we just give a talk and don't contribute and do that. That's why I'm showing it. What I'm speaking is already written by myself and many other knowledgeable people in and around the country. They are also talking in the similar terms. So particularly science and maths, they ought to be taught through the mother tongue. Otherwise, the creativity component or innovation component or originality, whatever we talk about, I think that cannot be utilized from the soft mind which we have as a child. Of course, in order to strengthen the foundation for Hindi, subjects like civics, social sciences, etc., they could be taught through Hindi. We can't dispense with English at a higher level learning and at the international context.
childhood is best for learning languages and English medium schools are capitalizing on this theory. That's really unfortunate. Rather, what we feel that up to 10 to 12 years of age, our education has to be through our mother tongue only. ये तो हमने प्राइमरी लेवल की बात की, थोड़ा बहुत हायर सिस्टम की बात कर लें, बिकॉज इज अ गुड एग्जाम्पल. यदि हम अपने पब्लिकेशन ऑफ पेटेंट्स की बात करें, जो हम भारत सरकार के संबंधित विभागों तक काफी समय से बता रहे थे कि जो हमारे इंडियन पेटेंट ऑफिस में जो पेटेंट्स फाइल होते हैं, वो हम लोग केवल 20% फाइल करते हैं. आई मीन इंडियंस डू फाइल ओनली 20% ऑफ द पेटेंट्स. मेरे ख्याल से अभी इस पॉलिसी आने के बाद वो नंबर इंक्रीज हो गया, आई थिंक इट इज 30%. तो बाकी 80% पेटेंट्स आर फाइल्ड बाय द फॉरेन नेशनल्स एंड 100% फाइलिंग इज डन इन इंग्लिश. हियर आई एम नॉट प्रेजेंटिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे ऑफ द गवर्नमेंट विच सेज दैट इन कॉमन मैन्स पर्सपेक्टिव और द SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और माइक्रो इंटरप्राइजेस पर्सपेक्टिव. We have English speakers of less than 20% in this country, but not users. That is the reason why we have been advocating for the benefits of the submission of patent applications in state languages before the policy was formulated. क्योंकि बड़ा कॉमन सेंस की बात है कि आपका जो नॉलेज का इंफॉर्मेशन, यदि आप उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, how could you will be able to do further innovations? And we can take a lesson from, you can take the examples of China, Korea, Japan, Taiwan. These countries are already filing their patent applications in their respective countries. Anything, somebody is talking? राधा कृष्ण जी के नाम से है सर, ये आपका माइक म्यूट करना है. राधा कृष्ण जी के नाम से जो है, राधा कृष्ण जी आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए. ओके, थैंक यू. एनीवे, जो मैंने ये बात करी कि हमारे जो पेटेंट एप्लीकेशन यदि अपनी भाषा में ही सबमिट नहीं होंगे, तो हमारा कॉमन मैन या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लोग जो ज्यादातर हिंदी समझते हैं, हिंदी लिखते हैं, तो वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे. और इसका एग्जाम्पल हमने इन डेवलप्ड कंट्रीज का भी दिया, लेकिन अभी भी इस पॉलिसी में ये चीजें पूरी तरह से दृष्टांत नहीं हुई. लेकिन फॉर्चुनेटली दे आर एबल टू पुट इन सर्टेन थिंग्स इन द पॉलिसी विच आई जस्ट रीड फॉर योर इंफॉर्मेशन. क्लॉज 1.2.8 विच सेज क्रिएटिंग मटेरियल्स फॉर आईपी प्रोटेक्शन इन मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड पिक्टोरियल फॉर्म फॉर दोज हु कैनॉट रीड. This is something they make, still it is a optional. It should be mandatory basically according to us, but that did not take place. But at least this has come. Some people they want, they can take the advantage of this. Because jab tak aap mandatory nahi karoge, kuch nahi hota hai. But interestingly, they are able to bring in this provision that they can now file their patents in their respective languages also. That is the reason why we have also been working in the bilingual mode rather in the multilingual mode. When we talk about Hindi or the regional languages, Vigyan Bharati Delhi, it distinguishes itself from other science forums in the country or even our BIVA units. It's the only forum which has been consistently working in the bilingual mode for last 25 years. Not only that, before the policy of CSIR came in, I say this several times, in 1998, that scientists should now use Hindi in their science publications or in doing their works. Our first publication came 1 year before that policy came out. Point is that policies are very important, but implementation of the policies are also to be kept in mind. With these small notes, we have some more things to speak, but I will skip all that. With this brief note about some background about what Professor Kamini Kumarji is going to highlight us before us. Now I stop here. Thank you. Over to Ashutoshji. Okay.
जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि वे अपने माइक म्यूटेड रखें, म्यूट कर लीजिए। निश्चित रूप से पॉलिसी को बनाना एक बात है और उसको इम्प्लीमेंटेशन, वह भी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है और उस पक्ष को भूलना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि पॉलिसी बना करके उसे यदि हम अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं तो उस पॉलिसी, उस नीति का जो लाभ मिलना चाहिए वह लाभ हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। भारत की प्रथम शिक्षा नीति का गठन 24 जुलाई 1968 को हुआ और उसके पश्चात आई भारत की दूसरी शिक्षा नीति 1986 में, और उस 1986 के पश्चात सन 2016 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षा नीति पर कार्य करना शुरू किया और लगभग 3 सालों की मेहनत और दूरदर्शिता के बाद एक नई शिक्षा नीति का गठन किया गया सन 2020 में। सन 2020 में जो शिक्षा नीति आई है उस नीति में एक महत्वपूर्ण पक्ष जो है वह यह है कि इसमें रीड टू लर्न के स्थान पर लर्न टू रीड की नीति पर खास जोर दिया गया है। इसी के साथ साथ अनेक ऐसे पक्ष हैं जिन पक्षों को इस नई नीति के माध्यम से शिक्षा में इम्प्लीमेंट करने का एक बहुत ही सुंदर और महनीय प्रयास किया गया है। इस शिक्षा नीति के बारे में हमारा जानना, उसे समझना और ये शिक्षा नीति किस प्रकार से आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करने वाली है उसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। और इसीलिए आज के इस व्याख्यान में मुख्य वक्ता के रूप में पधारी हैं प्रोफेसर डॉक्टर कामिनी कुमार। महोदया, मैं आपका स्वागत करता हूं और साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि आप आज के इस विषय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, साथ ही ऐसा विषय है जो कि हम सभी को जानना समझना चाहिए, क्योंकि यह विषय न केवल हमसे जुड़ा है बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों से भी जुड़ा है, संपूर्ण भारत से जुड़ा है और भारत की इस विश्व में क्या भूमिका होगी उससे भी जुड़ा हुआ है। अतः आप आमंत्रित हैं अपने मुख्य वक्तृत्व के लिए, आज के विषय के उपस्थापन के लिए, डॉक्टर कामिनी कुमार महोदया। धन्यवाद आशुतोष जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जोहार, गुड इवनिंग। विज्ञान भारती दिल्ली की ओर से आयोजित स्वदेशी साइंस मूवमेंट ऑफ इंडिया की व्याख्यान श्रृंखला 2021 के अवसर पर उपस्थित विज्ञान भारती दिल्ली के प्रेसिडेंट व आज के अध्यक्ष डॉक्टर सारे डीपी भट्ट जी, रोशन सर अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा। मेरी सपनों का भारत के नाम से जो आ रहे हैं अकाउंट, मेरे सपनों का भारत, रोशन जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। बाकी दो और फाइल कर लीजिए, गवर्नमेंट फीस लग रही है ज्यादा। आशुतोष जी उनको आप मैसेज भी कर दीजिए, बार बार कर रहे हैं रोशन जी, पता नहीं। और उनको मैसेज भी कर दीजिए। कामिनी मैम आपसे निवेदन है कि आप अपना माइक अनम्यूट करें। मैम ये माइक म्यूट हो गया है। जी मैम, जी जी मैम जी, धन्यवाद मैम। विज्ञान भारती दिल्ली की ओर से आयोजित स्वदेशी साइंस मूवमेंट ऑफ इंडिया की व्याख्यान श्रृंखला 2021 के अवसर पर उपस्थित विज्ञान भारती दिल्ली के प्रेसिडेंट व आज के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी भट्ट जी, एग्जीक्यूटिव मेंबर स्वदेशी साइंस मूवमेंट व इवेंट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रशांत मिश्रा जी, आयोजन मंडली के सदस्यगण डॉक्टर रश्मि शर्मा जी, डॉक्टर आशुतोष पारिक जी, मिस्टर मधुकर स्वयंभू जी, डॉक्टर रश्मि मिश्रा जी और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य श्रोतागण, सर्वप्रथम मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ आपने इस व्याख्यान श्रृंखला 2021 में मुझे आमंत्रित किया और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विचार ग्लिम्सेस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से
व्यक्त करने का एक मंच प्रदान किया है। मैं चाहूंगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हर पहलू पर आपसे थोड़ी चर्चा कर सकूं, प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक, प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में। पिछले वर्ष 29 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट से मंजूरी दी गई थी और इसे लाने के साथ ही देश भर में व्यापक चर्चा आरंभ हो गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली ऐसी शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य अच्छे, चिंतनशील, बहुमुखी प्रतिभा वाले रचनात्मक व्यक्तियों का विकास करना है। यह शिक्षा नीति उत्कृष्टता, विस्तार और समानता समेटे विद्यार्थियों को एक या अधिक क्षेत्रों में गहन स्तर पर अध्ययन करने में सक्षम बनाती है, साथ ही चरित्र, नैतिक एवं संवैधानिक मूल्यों, बौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव, रचनात्मकता, सेवा भावना, सामाजिक विज्ञान, कला मानविकी, व्यावसायिक तकनीकी सहित विभिन्न विषयों में 21वीं सदी की क्षमताओं को विकसित करती है। शिक्षा के संबंध में गांधी जी का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। भारत में समय समय पर शिक्षा नीति को बदला गया है। सबसे पहली शिक्षा नीति पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1968 में शुरू की थी। अगली नीति श्री राजीव गांधी ने 1986 में बनाई थी, जिसमें 1992 में कुछ बदलाव किए गए। वर्तमान में भारत में करीब 34 साल पुरानी शिक्षा नीति चल रही थी। यही कारण है कि वर्ष 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने की सलाह जनता से मांगी थी। भारत के इतिहास में पहली बार ग्राम पंचायत से लेकर, जिसमें आंकड़े बताते हैं 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6,600 ब्लॉक, 6,000 ULB व 676 जिलों, शहर के विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा सभी शिक्षण संस्थानों के लाखों सुझावों के उपरांत बनी है। इस शिक्षा नीति की सोच वैज्ञानिक है। यह कदम भारत सरकार का एक प्रशंसनीय कदम है जो करीब 34 वर्ष पुरानी शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करता है और जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारत केंद्रित व मैकाले मुक्त है। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उस समय रहे शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष प्रख्यात वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी व उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। यह शिक्षा नीति भारत को नए सशक्त राष्ट्र निर्माण की ओर ले जाएगी। शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जो किसी राष्ट्र का निर्माण कर उसे सजा संवार सकती है या फिर उसे ध्वस्त भी कर सकती है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की शिक्षा नीति है जिसमें नैतिक मूल्यों, संस्कार, सांस्कृतिक विरासत सभी को ध्यान में रखा गया है, जिसका लक्ष्य
हमारे देश की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह शिक्षा नीति हमारे देश की परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों को बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों को तय करती है। 21वीं सदी में भारत कहीं किसी से पिछड़ न जाए, इसको तय करने के लिए साथ साथ यह शिक्षा नीति नहीं भूली है हमें विरासत में क्या क्या अनूठा मिला है। हमारी विरासत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे विश्व स्तरीय संस्थान जिसने एक जमाने में अध्ययन के विविध क्षेत्रों में शिक्षण और शोध के ऊंचे प्रतिमान स्थापित किए थे और अनेकों विद्यार्थियों विद्वानों को लाभान्वित किया था। भारत ही ऐसा देश है जिसने अपनी इन्हीं व्यवस्थाओं से चरक, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, चाणक्य, चक्रपाणी, गौतम, मैत्रेयी, गार्गी जैसे महान विद्वानों को जन्म दिया है। आज समय की मांग को देखते हुए इस शिक्षा व्यवस्था में ऐसा परिवर्तन लाया गया है जो 21वीं सदी के भारत को विश्व में आगे ही आगे ले जाएगी। बदलते समय के साथ एक नई विश्व व्यवस्था खड़ी हो रही है। बड़ी मेहनत, लाखों सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत की स्कूली शिक्षा व्यवस्था से लेकर उच्च शिक्षा में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं जिनकी सोच वैज्ञानिक है। स्कूली शिक्षा को 10+2 से बदलकर 5+3+3+4 किया गया है। पहले 5 साल फंडामेंटल एजुकेशन के हैं, 4 साल की उम्र में नर्सरी में एडमिशन होगा, 5 साल की उम्र में जूनियर केजी, 6 साल की उम्र में सीनियर केजी, 7 वर्ष की आयु में स्टैंडर्ड 1 और 8 वर्ष की आयु में स्टैंडर्ड 2। ये 5 वर्ष का फंडामेंटल कोर्स स्कूली शिक्षा का है। 3 साल का प्रिपरेटरी कोर्स है जिसमें स्टैंडर्ड 3 में 9 साल के बच्चों का एडमिशन होगा, स्टैंडर्ड 4 में 10 साल के बच्चों का, स्टैंडर्ड 5 में 11 साल के बच्चों का। इसके अलावा 3 साल का मिडिल कोर्स है जिसमें स्टैंडर्ड 6 में 12 साल के, 7 में 13 साल के और 8 में 14 साल के बच्चे। 4 साल का सेकेंडरी एजुकेशन है जिसमें कि स्टैंडर्ड 9 में 15 वर्ष की आयु में एडमिशन और SSC में 16 साल का। इसके अलावा इसमें 17 और 18 वर्ष की आयु में बच्चे FYJC और SYJC करेंगे। यहाँ पर 10वीं का बोर्ड नहीं होगा और बच्चे सिर्फ 12वीं का बोर्ड देंगे। तो ये प्राइमरी एजुकेशन की जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया है वह बच्चों के मानसिक विकास को देखते हुए बनाया गया है कि जब वो नर्सरी में एडमिशन लें तब 4 साल के हों और धीरे धीरे उनका मानसिक विकास किया जाए। इस दिशा में यह नया कदम है, विद्यार्थियों को ग्लोबल सिटीजन बनाना है। यह एक ऐसा कदम है जिससे विद्यार्थी आगे बढ़ेंगे लेकिन वे अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे। यह पद्धति विद्यार्थियों को मनु से मानव बनाने में सहायक सिद्ध होगी। महत्वपूर्ण बात इसकी यह है कि कक्षा 5 तक मातृभाषा में पढ़ाई बच्चे कर सकेंगे, क्योंकि घर की बोली और पढ़ाई की भाषा एक हो तो शिक्षा की गति ज्यादा होती है। इस नीति में ऐसा उपाय किया गया है कि छात्र स्कूली शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा तक बिल्कुल तनाव मुक्त रहें। स्कूल में इनके परफॉर्मेंस आकलन के लिए भी कई बदलाव
सामने किए हैं। सर्वांगीण विकास को देखते हुए बच्चों के प्रदर्शन को 3 स्तर पर परखा जाएगा। इनके रिपोर्ट कार्ड में भी बदलाव आएंगे। पहला आकलन बच्चे स्वयं करेंगे, दूसरा उनका सहपाठी करेगा, तीसरा शिक्षक करेगा। एक नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया गया है जो समय समय पर बच्चों के सीखने की क्षमता का परीक्षण करेगा। परख इस नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मेंस रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। यह नीति बच्चों में क्रिटिकल और क्रिएटिव सोच को बढ़ावा देती है, क्योंकि कक्षा 6 से ही बच्चों में कौशल विकास करना है। किस ओर बच्चे का झुकाव है यह स्कूल के स्तर पर ही देखना होगा और बच्चे के मानसिक और बौद्धिक विकास के नए आयाम खुलते जाएंगे। हर कक्षा में जीवन कौशल परखने पर जोर होगा ताकि 12वीं के बाद जब छात्र कक्षा से निकलेगा तो उसके पास पूरा पोर्टफोलियो होगा। पारदर्शी ऑनलाइन शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया है स्कूली स्तर पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। विद्यालयों में विद्यार्थियों के भविष्य को आकार देने वाले हमारे शिक्षक ही होते हैं। एक समय था जब इस नेक योगदान के श्रेय सबसे अच्छे और विद्वान शिक्षक ही होते थे, जो विद्यार्थियों में शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों को प्रदान करते थे। आज के समय समाज में इतने महत्वपूर्ण शिक्षकों के अधिकारों की स्थिति वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की गुणवत्ता और उत्साह क्षीण पड़ता जा रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इन भावों को पुनर्जीवित करने का बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है। इसमें भर्ती, पदस्थापन, सेवा काल के दौरान कार्य संस्कृति के लिए एक समृद्ध और स्वच्छ वातावरण बनाने का सफल प्रयास किया गया है। इसमें एक उत्कृष्ट 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम, उत्कृष्ट शिक्षकों का ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण कार्य के लिए प्रोत्साहित करना, शिक्षक और समुदाय के बीच संबंध बने जिससे विद्यार्थियों को रोल मॉडल और शैक्षणिक वातावरण मिले, शिक्षकों में संवेदनशीलता बढ़े, इसके लिए उनके कार्यस्थल पर उन्हें सुरक्षा, स्वास्थ्य, अच्छा पर्यावरण मिले और वे इन सभी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हों। साथ ही ध्यान यह भी रखा गया है कि पाठ्यक्रम के साथ साथ शिक्षक सामाजिक भावनात्मक पक्षों पर भी ध्यान देंगे जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक हो, और ऐसी शिक्षण पद्धति के अपनाने पर शिक्षकों को सम्मानित भी किया जाएगा। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को पहचान देना, सम्मान देना, पदोन्नति देना व वेतन वृद्धि देना इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक सराहनीय प्रयास है, जिसका एक शिक्षक होने के नाते मैं हृदय से स्वागत करती हूं और सम्मान करती हूं। हमारे देश में कई राज्य ऐसे हैं जहां भौगोलिक स्थिति के कारण वहां की जनजातीय समुदाय और अनुसूचित जनजातियों के बच्चे भी कई स्तरों पर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं। आदिवासी समुदाय के बच्चे अक्सर स्वयं को शैक्षणिक रूप से अप्रासंगिक और विदेशी पाते हैं, हालांकि वर्तमान में उनके उत्थान के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं
लेकिन अब यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इन बच्चों को इन कार्यक्रमों का लाभ मिले और इसके लिए विशेष तंत्र बनाए जाएं। इस नीति की विशेषता यह है कि इसमें दिव्यांग बच्चों को किसी भी अन्य बच्चे के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने के लिए सक्षम तंत्र की भी व्यवस्था की गई है। लड़कियों को जिस प्रकार उत्साहित किया जाता रहा है वह तो इस नीति में है ही, साथ ही ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए भी गुणवत्तापूर्ण और न्याय संगत शिक्षा प्रदान करने की दिशा में कठोर प्रयास किए गए हैं और एक जेंडर समावेशी निधि का भी गठन किया गया है। महिला और ट्रांसजेंडर बच्चों तक शिक्षा सुनिश्चित करने का प्रावधान इसमें बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-21 21वीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्मित है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा के मुख्य उद्देश्य चिंतनशील बहुमुखी प्रतिभा वाले रचनात्मक व्यक्तियों का निर्माण करना है। उच्चतर शिक्षा आर्थिक विकास और आजीविकाओं को स्थायित्व देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। जहां पूरे भारतवर्ष में करीब 1000 विश्वविद्यालय और 40,000 महाविद्यालय हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे झारखंड राज्य में 7 विश्वविद्यालय, 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कई प्राइवेट और टेक्निकल यूनिवर्सिटीज और करीब 300 से ऊपर महाविद्यालय हैं। तो झारखंड में इस नीति की नींव के मुख्य बिंदु हैं। मैं झारखंड ही क्यों कहूँ, मैं पूरे भारत में कहूँगी कि इस नीति के नींव के मुख्य बिंदु हैं उपलब्धता, समानता, गुणवत्ता, सुलभता और उत्तरदायित्व हैं। और इनमें ऐसा उपाय किया गया है कि छात्र हमेशा तनाव मुक्त रहें। इस नीति की एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसमें देश के सभी विश्वविद्यालयों, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो या स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटी हो, सभी की नियमावली एक ही होगी। यह स्थायित्व प्रदान करने वाला एक विनियम है। शोध को हर विश्वविद्यालय में बढ़ावा देना है, जिसके लिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। प्रमुखता से दिव्यांगों की शिक्षा में बदलाव लाने का प्रयास किया गया है। उनके लिए सभी बुनियादी ढांचे और शिक्षण सामग्री की उपलब्धता का प्रयास किया गया है। उत्कृष्ट सार्वजनिक शिक्षा के लिए अधिक अवसर, वंचित और निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति में पर्याप्त वृद्धि, ओपन स्कूलिंग, ऑनलाइन शिक्षा और मुक्त दूरस्थ शिक्षा में विस्तार की व्यवस्था भी की गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालें तो पाएंगे कि 21वीं सदी की आवश्यकताओं को देखते हुए इसमें जो परिवर्तन सूत्र अपनाए गए हैं उससे एक अच्छे चिंतनशील बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्तियों का विकास होगा। इसमें सबसे पहले उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता हेतु कई परिवर्तनगामी सुधार किए गए हैं, जिनमें सर्वप्रथम मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यह परिवर्तन भारतीयता के भाव को ध्यान में रखकर किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा पर एकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च किया जाएगा, जो अभी मात्र 4.43% है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना, अनेक वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र की मांग रही है
कि शिक्षा का प्रबंधन और संचालन शिक्षकों तथा शिक्षाविदों के हाथ होना चाहिए। इस प्रारूप में आयोग की अनुशंसा की गई है। आयोग का स्वरूप अधिक स्वायत्त शक्तिशाली हो, इस हेतु शिक्षाविदों का सहभाग बढ़ाया जाए। इसमें 65-70% शिक्षाविद रखने का सुझाव है, जिसके अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होंगे। यह नीति लचीलापन लिए हुए है। शिक्षा की संरचना में लचीलापन अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा नीति में 5+3+3+4 की रचना प्रस्तुत की गई है। इसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा को भी जोड़ा गया है। यहाँ विज्ञान, वाणिज्य, कला शाखाओं का भेद मिटाकर मिश्रित विषय चयन का विकल्प रखा गया है। 4 वर्षों में 40 विषय के क्रेडिट प्राप्त होंगे। इसमें 15 व्यावसायिक विषय होने अनिवार्य होंगे। इस प्रावधान के लागू होने से शिक्षा का प्रारूप बदल जाएगा। यहाँ पर एक मैं इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि कभी कभी छात्रों की पढ़ाई बीच में किसी एक शहर में रुक जाती है। उनका अगर पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया दूसरे शहर में, तो वो दूसरे शहर या दूसरे राज्य में चले जाते हैं। उस कंडीशन में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रावधान है कि जो उनके क्रेडिट पॉइंट्स होंगे, वो जहां वो दूसरे बार एडमिशन लेंगे उसके उनके साथ जाएंगे और वो ऐड हो जाएंगे। तो ये जो बच्चों की शिक्षा छूट जाती थी, वो अब नहीं ऐसे छूटेगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होना। जैसे किसी छात्र की पढ़ाई एक वर्ष में छूट जाए तो उसे कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, लेकिन इस नीति में अगर पहले साल में उसकी पढ़ाई छूट जाएगी तो उसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर उसने 2 साल की पढ़ाई पूरी की है और छूट जाए तो उसे डिप्लोमा मिलेगा, और 3 वर्ष पूर्ण होने पर अगर पढ़ाई छूट जाए तो डिग्री मिलेगी, और 4 वर्ष पूर्ण होने पर सम्मान पदवी यानी ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, और ऐसे बच्चे 1 साल में पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स कर सकेंगे। और जिनके पास सामान्य डिग्री है, वे वैसे बच्चे 2 वर्ष में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स खत्म कर सकेंगे। शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं के महत्व को उल्लेखित किया गया है। इससे क्रांतिकारी सुधार हो सकता है। इंजीनियरिंग, मेडिकल जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित सभी पाठ्यक्रमों में भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध कराना आवश्यक है। इससे प्राइमरी एजुकेशन में भारतीय भाषाओं का महत्व बढ़ जाएगा। पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर पर प्रथम भाषा अथवा मातृभाषा भी शिक्षा का माध्यम होगी। इस नीति में लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा। अर्थात उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा, और हायर एजुकेशन में करीब 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्यों के प्रभावी और पारदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिए 4 संस्थानों को या निकायों का निर्धारण किया गया है। पहला है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC का गठन, दूसरा है जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC का गठन, तीसरा है वित्त पोषण के लिए हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल HEGC, और चौथा है एक्रीडेशन के लिए नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल NAC का गठन।
महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्ष में समाप्त हो जाएगी और उन्हें क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना होगी। आगे चलकर ये डिग्री प्रदान करने वाले ऑटोनोमस कॉलेज बनेंगे या फिर ये किसी विश्वविद्यालय से जुड़ेंगे। स्नातक शिक्षा बहुविषयक होगी, संकाय और संस्थागत स्वायत्तता की ओर बढ़ाना है। देश में IIT और IIM के समकक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज मेरू की स्थापना की जाएगी। शिक्षा मूल्यांकन योजनाओं के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग पर विचार के स्वतंत्र आदान प्रदान हेतु नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF नाम का एक स्वायत्त निकाय की स्थापना होगी। इसके अलावा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC को दिया जाएगा, जिसे अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सकेगी। जैसा मैंने बताया कि ये क्रेडिट सिस्टम बच्चे अपना कैरी करेंगे, कहीं अगर छूट जाएगा तो वो उसको आगे दूसरे जहां इंस्टीट्यूट में जाएंगे वहां वो कैरी ओवर होगा। इसके अलावा ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षणिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जाएगा, जिसके लिए वर्चुअल लैब्स विकसित होंगी, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को विकसित कर ऑनलाइन कोर्सेज की संख्या बढ़ाई जाएगी, डिजिटल रिपोजिटरीज विकसित होंगी और रिसर्च के लिए राशि बढ़ाई जाएगी, क्रेडिट बेस्ड रिकॉग्निशन MOOCs होंगे। इसके अलावा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन राष्ट्रीय अनुसंधान न्यास एक क्रांतिकारी संकल्पना है, जिसके अंतर्गत उच्च शिक्षा अनुसंधान को नई गति मिलेगी। शिक्षक के पद का महत्व भारत में हमेशा से रहा है, जो गत वर्षों में कुछ कम होता प्रतीत हो रहा है। अगर शिक्षकत्व समाज में पुनः प्रतिष्ठित होगा तो समाज समर्थ बनेगा। इस हेतु इस नीति में कई उपाय सुझाए गए हैं, जैसे अध्यापक शिक्षा का व्यवसायिक स्वरूप तथा अनुबंध नियुक्ति पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। शिक्षक की प्रतिष्ठा बढ़ाने के ये प्रभावी उपाय हैं। व्यावसायिक शिक्षा में कौशल शिक्षा के नाम पर पूरे देश में प्रपंच हुआ है। 9वीं से लेकर 12वीं के स्तर पर इसमें ४० विषयों के क्रेडिट में 15 व्यावसायिक शिक्षा के विषय हैं। इस प्रकार व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य शिक्षा का भाग बनाया गया है। शिक्षण विधि में काफी चेंजेस लाए गए हैं। वर्तमान में यह लर्नर सेंट्रिक और चाइल्ड सेंट्रिक है। भारत का आदर्श अध्ययन केंद्रित मतलब लर्निंग सेंट्रिक तथा शिक्षक आधारित टीचर बेस्ड शिक्षा है। इस राष्ट्रीय प्रारूप में इन दोनों पर ध्यान दिया गया है। अध्ययन का दायित्व विद्यार्थी का है, शिक्षक तो मार्गदर्शक और सहयोग की भूमिका में होता है। यदि दोनों अपनी भूमिकाओं का सही निर्वहन करेंगे तो गुरुकुल जैसी आदर्श शिक्षा के निर्माण की संभावना इस बीच में है। भारत में सदैव शासन मुक्त शिक्षा व्यवस्था की बात की गई है, किंतु इसका ये अर्थ वर्तमान के निजीकरण से नहीं रहा। शिक्षा सदा ही समाज का दायित्व रहा है।
अतः शिक्षा व्यवस्था समाज पोषित हो ऐसी अपेक्षा की जाती है। शिक्षा नीति के प्रारूप में प्रशासन में समाज के सहभाग की व्यवस्था की गई है। हमारे यहाँ ज्ञान के क्षेत्र में कभी भी सीमाओं का निर्धारण नहीं किया गया है। हमारे शिक्षक सारे विश्व में शिक्षा प्रदान करते रहे हैं और सारे जिज्ञासु हमारे भारतीय विश्वविद्यालय में आकर ज्ञान प्राप्त करते रहे हैं। आज के समय में भारतीय विश्वविद्यालय को विदेशों में शिक्षा देने का अधिकार नहीं है। विदेशी छात्रों के प्रवेश पर भी सीमित संभावनाएं हैं। शिक्षा नीति का प्रारूप इन सारी सीमाओं को खोलता है। सभी विश्वविद्यालय का भारत में स्वागत करने के साथ ही भारतीय विश्वविद्यालय के विदेशों में कैंपस खोलने की बात इस नीति में कही गई है। इस नीति के अनुसार उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा। उत्कृष्ट 10 विदेशी विश्वविद्यालयों को यहाँ आने की सुविधा रहेगी जिस पर कोई राशि नहीं ली जाएगी। इस नीति में एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पीएचडी प्रवेशकर्ता चाहे वह किसी भी विषय में प्रवेश ले अपने डॉक्टोरल प्रशिक्षण के दौरान अपने शोध विषय से संबंधित शिक्षण शिक्षा अध्यापन लेखन में क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम बनाएंगे। व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकलन नई शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण अंग है। विश्वविद्यालय चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत कर सकेंगे एवं 2025 तक 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान करने का लक्ष्य हासिल करेंगे। यह शिक्षा नीति विद्यार्थी तथा शिक्षक केंद्रित बनाई गई है। विद्यार्थियों को अपनी इच्छा अनुसार विषयों के चयन की स्वतंत्रता तथा उसके साथ साथ वे अपने कौशल का भी विकास कर सकेंगे। यह नई शिक्षा नीति खासकर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन और संरक्षण को ध्यान में रखकर बनाई गई है जिससे कि मातृभाषाएं सुदृढ़ हो सकें। रोजगार परक शिक्षा मुहैया कराना इस शिक्षा नीति का लक्ष्य है। इस शिक्षा नीति में समाज के पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है जो अर्थ अभाव में अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर सकते हैं। साथ ही बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी के प्रावधान किए गए हैं। यह शिक्षा नीति आउटकम बेस्ड है जो विद्यार्थियों को ग्रेजुएट एट्रीब्यूट प्रोफाइल GAP प्राप्त कराएगा। यह प्रस्ताव वॉशिंगटन एकॉर्ड की तरह बनाया गया है जिसका एक सदस्य भारत भी है। इस शिक्षा नीति में शिक्षकों को प्रोन्नति एवं मूल्यांकन की विशेष व्यवस्था की गई है ताकि शिक्षक पूरी तन्मयता से अध्यापन और शोध कर सकें। पूर्ण रूपेण संसाधन संपन्न महाविद्यालयों को यह निर्देश है कि वे वैसे महाविद्यालयों को भी अपने साथ जोड़ें जिनके पास कम सुविधाएं हैं ताकि वहां के शिक्षकों और विद्यार्थियों को भी वे सारी सुविधाएं मिल सकें। विकास की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में विशेष शिक्षा व्यवस्था विशेष शिक्षा क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इस शिक्षा नीति की खासियत है कि इसमें सभी स्तरों पर भारत को केंद्र में रखा गया है। भारत की परिस्थितियों के अनुसार नीतियों का सुझाव है। इस प्रारूप में चिकित्सा शिक्षा के बारे में विस्तृत योजना है जैसे जिला स्तर पर
प्रत्येक चिकित्सालय को शिक्षा केंद्र बनाने की बात है, जिससे पर्याप्त चिकित्सकों का निर्माण किया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निजी परोपकारी गतिविधियों को पुनर्जीवित करने और प्रोत्साहित करने की अनुशंसा भी करती है। वहीं शिक्षा के व्यवसायीकरण से निपटने का भी इसमें प्रयास किया गया है। लेकिन किसी भी शिक्षा नीति की प्रभावशीलता उसके कार्यान्वयन पर ही निर्भर करती है। तो अब हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि जब 2022 में यह नीति लागू हो तो हम सब इसको सही ढंग से लागू करने में अपना योगदान पूर्ण रूपेण दे सकें। आज चूंकि मैं शिक्षक हूं और मेरे बहुत सारे शिक्षक सहयोगी यहां जुड़े हुए हैं, तो मैं आज आपसे एक शिक्षक की महत्ता पर कुछ बात करना चाहूंगी। एक अच्छा शिक्षक वही है जो अपने विद्यार्थियों को अपने बच्चों की तरह प्यार करता है, उसकी परेशानियों को समझता है, उसे पढ़ाता है, उनमें आत्मविश्वास जगाता है और एक समझदार चरित्रवान नागरिक बनाता है। सही मायने में चिंतन को परिलक्षित करता है और गुरु शिष्य परंपरा कायम करता है जो अब भारत में समाप्त हो रही है। भारत हमेशा ही विश्व गुरु रहा है और अब हमें कोशिश करनी है कि वो अब आगे भी पूरे विश्व में अपने को एक विश्व गुरु के रूप में साबित करे। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि वह शिक्षक छात्रों में हम ऐसा कर सकते हैं का भाव जगाए। कोई भी शिक्षक अगर अपने छात्रों में पॉजिटिविटी भर देगा, उनसे कहेगा कि नहीं आप ऐसा कर सकते हैं, तो वो छात्र जरूर उस ओर झुकेंगे। एक शिक्षक अपने सभी विद्यार्थियों में हमेशा सफलता ही देखना चाहता है, लेकिन एक अच्छा शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ये भी सिखाए कि असफलताओं को कैसे स्वीकारा जाता है, क्योंकि हम हमेशा सफल नहीं हो सकते। जीवन में कहीं कहीं ऐसे दौर आते हैं जब हम असफल होते हैं और हम नेगेटिविटी की ओर बढ़ने लगते हैं, हम में मानसिक असंतुलन आ जाता है। तो एक अच्छा शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अगर ये सिखाए कि असफलताओं को कैसे स्वीकारा जाता है और सिर्फ सफलता ही ना देखे, ऐसे समय में वो ऐसे सफल चेहरों को दिखाए और ये समझाए कि ये सफल चेहरे कितनी असफलताओं और संघर्षों के बाद यहाँ तक पहुँच पाए हैं। शिक्षक ही कुंजी है और परिवर्तनों का सूत्रधार भी शिक्षक ही है। जब हम श्रेष्ठ मस्तिष्क को शिक्षा के क्षेत्र में लाएं, अब ऐसा ही समय आ गया है। आज शिक्षक ही हैं जो डॉक्टर्स भी बनाते हैं, इंजीनियर्स भी बनाते हैं, IAS IPS भी बनाते हैं, जस्टिस चीफ जस्टिस बनाते हैं, नेता अभिनेता सभी शिक्षक ही बनाते हैं। तो अब जरूरत हो गई है कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क को ही अब शिक्षक बनने के लिए प्रेरित करें। आज जरूरत है हम शिक्षा नीति पर जोर दें। हमारे सामने कई चुनौतियां हैं, उनको हम स्वीकारें और अपना ज्ञान बांटते रहें, क्योंकि ज्ञान तो ऐसा मोती है, जितना बांटेंगे उतना ही वो बढ़ेगा। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत ही सफल प्रयास है और अब इस सफल प्रयास का इम्प्लीमेंटेशन भी सफलतापूर्वक हो जाए, इस ओर हमारा प्रयास रहेगा। हम सब मिलकर इस पॉलिसी को लागू करेंगे और अपने विद्यार्थियों को
इससे बहुत ही ज्यादा लाभान्वित करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत बनाने का। एक शिक्षक होने के नाते एक उद्देश्य लेके हम चलेंगे और ये उद्देश्य होगा आत्मनिर्भर भारत बनाने का। और इसके लिए आवश्यक है कि आत्मविश्वास बढ़े, और आत्मविश्वास तभी बढ़ेगा जब शिक्षा का ज्ञान पूरा होगा। विश्वास बढ़ाने के लिए उन्हें शिक्षा का ज्ञान पूरा देना होगा और तभी हम अपने भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बना पाएंगे। आज आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मैं कुछ थोड़ा बहुत आपके समक्ष इस विषय वस्तु को क्लियर कर सकी हूँ। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, मेरी ओर से शुभकामनाएं, धन्यवाद। Thank you so much, ma'am, for giving us such an insightful session on new education policy and sparing time to join the session. Thank you so much, ma'am. Now I would request Prashant Kumar Mishra, sir, for summarizing the entire session and delivering the vote of thanks. Thank you very much, Dr. Rashmi. सबसे पहले तो मैं वाइस चांसलर महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से इतना समय निकाला और बहुत ही सरल तरीके से हम लोगों को नई शिक्षा नीति के बारे में बताया। इसमें कुछ चीजें तो सुनी हुई थी लेकिन बहुत सारे पोर्शंस ऐसे थे कि जिस पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, और उसको जिस कुशलतापूर्वक आप लोगों ने अपने हम लोगों के सामने इसको रखा है उसके लिए मैं निश्चित तौर पर आपको विशेष तौर पर धन्यवाद कहना चाहूंगा। ये एक बड़ा व्यापक विषय है और हम लोग प्रयास करेंगे, अपने SSMD की तरफ से हम लोग कभी प्रयास करेंगे कि इस पर एक व्यापक चर्चा हो हमारे बीच में। हम लोग जितने प्रबुद्ध लोग हैं, शिक्षाविद हैं, हम लोग बैठें और इसके विभिन्न पहलुओं पर हम लोग आलोचनात्मक चर्चा करें, क्योंकि ये बहुत बहुत जरूरी है। अभी तो ये सरकार की तरफ से आया, कुछ लोग हैं कि जो इसको देखे भी हैं, लेकिन फिर भी इसमें चर्चा की गुंजाइश है। एक दो व्यक्तिगत अनुभव अगर हमको समय परमिट करे तो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। ये 2020 की ही बात है, शुरुआत की बात है। हमारे झारखंड सरकार की तरफ से हर एक विश्वविद्यालय को एक नोटिस, क्या कहिए, एक आग्रह भेजा गया कि आप लोग इस नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को पढ़िए और इस पर अपना मंतव्य दीजिए। उस समय हमारे विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर साहब थे तो वो ये जिम्मा हमको दे दिए कि आपके चेयरमैनशिप में ही ये होगा। हमने अपना टीम गठित किया और एक दिन शाम के लगभग 5 बजे हम लोग एक विषय पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। ज्यादा समय नहीं हुआ था, शाम के 5 बजे थे, क्लास वास से फारिग होके हम लोग बैठे हुए थे। मुश्किल से 15-20 मिनट तक हम लोग बात किए थे कि लोड शेडिंग हो गया, अंधेरे में आ गए हम लोग। फिर हमने अपने स्टाफ को कहा कि यार जनरेटर चला दो, तो पता चला कि जनरेटर खराब है। और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पर पूरा डिस्कशन कर तो लिए उसी दिन, लेकिन मोबाइल की रोशनी में करना पड़ा। तो ये एक महज, हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, अगर कोई अच्छी बात सामने आती है तो बड़ी अच्छी बात है। इन सारे लोगों ने, कामिनी मैडम ने भी कहा और भट्ट सर ने भी कहा कि इम्प्लीमेंटेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ एनी पॉलिसी एंड वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल टू सी whether वी कैन इम्प्लीमेंट इट प्रॉपरली और नॉट। तो हमें लगता है कि अभी इस विषय पर बहुत ज्यादा मंथन करने की जरूरत है।
हम जब लेक्चर सुन रहे थे तभी एक श्रोता का कमेंट आया कि लेबोरेटरीज को बहुत ज्यादा और ज्यादा फैसिलिटीज दिया जाए। वो वही बात है जिस बात को मैं कह रहा हूँ कि रिसोर्सेस की कमी हमारे पास है, बहुत ज्यादा कमी रिसोर्सेस की है, एंड वी शैल हैव टू सी हाउ कैन वी फुलफिल इट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो बहुत सारे पॉलिसीज के तरीके से ये भी एक मोटा सा पुस्तक बन के रह जाएगा। तो हमको इस बात को बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैं फिर उसी बात पर आता हूँ कि इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अभी कोविड पीरियड में हम लोगों ने इसके महत्व को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है और आज तक हर एक विश्वविद्यालय में, हर एक लेवल पर, विश्वविद्यालय ही क्या, स्कूल से नर्सरी से लेके हर लेवल तक जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो ऑनलाइन कर रहे हैं। नाउ द मिलियन डॉलर क्वेश्चन अराइज वेदर द रूरल पीपल ऑफ झारखंड और फॉर दैट मैटर एनी अदर स्टेट आर दे इन ए पोजिशन टू परचेज एंड्रॉयड फोन एंड डू दे हैव इनफ नेट कनेक्टिविटी टू कंप्लीट देयर स्टडीज। आई थिंक नो। वी हैव सर्वेड अबाउट द बेनिफिशियरीज ऑफ दिस सिस्टम और हम जो देखने से हमको मिला वो 40-45% से ज्यादा हमको नहीं मिलता है। तो द बिग क्वेश्चन इज हाउ वी कैन ब्रिज दिस गैप। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले एजुकेशन पॉलिसी से ही ये बात चलती आ रही है कि हमको इक्विटी पर भी ध्यान देना है और हमको एक्सेलेंस पर भी ध्यान देना है। ये दोनों ही बहुत ही कंट्राडिक्टरी एस्पेक्ट्स हैं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिफिकल्ट एज वेल। हमको अभी तक ये नहीं समझ में आया कि इन दोनों चीजों को हम एक प्लेटफॉर्म पर कैसे लाएं। जब हम एक्सेलेंस की बात करेंगे तो इक्विटी पॉसिबल नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं उससे समझौता करना पड़ता है, और जब हम इक्विटी की बात करते तो कहीं ना कहीं हमको एक्सेलेंस से समझौता करना पड़ता है। तो अब ये सोचना है, जिसके लिए हम कह रहे थे कि एक व्यापक मंच पर हमको इस बात को लेके हमको बात करनी होगी, एक चर्चा करनी होगी कि करें तो कैसे करें, क्या करें, ये तो मेरे सामने आ गया, लेकिन कैसे करें इस पर बात करना बहुत बहुत जरूरी है। और जब तक हम लोग इस पर बात नहीं करेंगे तब तक हमारा ये जो सारा डिस्कशन है उसका हम 100% आउटकम लेने में सफल नहीं। मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा प्रोफेसर कामिनी मैडम का। समय की इनके पास कमी रहती है हम जानते हैं, फिर भी मैंने दबाव डालकर इनको राजी किया था इस बात के लिए कि वो हम लोगों के साथ जुटे और बड़े विस्तार से हमको बताएं कि आखिर क्या क्या है। और हमको लगता है कि इन्होंने कोई भी पहलू ऐसा नहीं रहा है नई शिक्षा नीति को जिस पर ये, जिसको ये अनछुआ छोड़ी है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य में भी हम आपको इस तरीके के चर्चाओं में, ऐसे व्याख्यान मालाओं में आपको आमंत्रित करते रहेंगे और मुझे विश्वास है कि आप आती रहेंगी। और इन्हीं शब्दों के साथ अब हम डॉक्टर रश्मि मिश्रा को अपना मंच देना चाहेंगे फॉर फर्दर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल टू प्लीज रेज फॉर द नेशनल एंथम। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे Thank you all for joining the session.
The next session will be intimated as planned. Thank you. Thank you, ma'am.